सतना जिले में मध्य प्रदेश डी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होते हुए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। इस आर्थिक प्रगति से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार होने के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। अमर पाटन जनपद कार्यालय परिसर में आजीविका कैंटीन यानी दीदी कैफे चलाने वाली परसवाही ग्राम की श्रीमती सरोज विश्वकर्मा प्रगति की इसी कड़ी में शामिल है। पहले मजदूरी करके परिवार के भरण पोषण में पति का सहयोग करने वाली सरोज अब यदुवंश आजीविका स्व सहायता समूह से जुड़कर सम्मान पूर्वक कैंटीन चलाते हुए स्वादिष्ट समोसे, चाय, नमकीन, बिस्किट सहित अन्य खाद्य एवं पेय सामग्री की बिक्री से रोजाना 500 से 600 रुपए की आमदनी प्राप्त कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। योजना का अनवरत लाभ मिलने से सरोज का आत्मविश्वास भी बढ़ गया है और वो आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। सरोज ने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद दिया। मैं यहाँ एनआरएलएम में काम करने लगी, यहाँ से ट्रेनिंग ली और मैं अपनी वहाँ से अपने समूह से लोन लेके और अपनी यहाँ पे चाय समोसे की एक दुकान रखी और इसी में से मेरा आगे के लिए वो हो गया, तो मैं अपना रोजगार चलाने लगी। इसी में से मेरे बच्चे और मैं भी सब कोई इसी में खुश रहते हैं।